हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे ऐसे अफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे सेंट स्टीफन हो गया, हंसराज हो गया, रामजस हो गया और दौलत राम कॉलेज हो गया, SGDB खालसा कॉलेज हो गया। तो ऐसे तकरीबन 15-20 कॉलेज हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज में पार्ट टाइम कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा लेवल कोर्सेज भी हैं और एडवांस डिप्लोमा लेवल कोर्सेज भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इन कोर्सेज के एलिजिबिलिटी की, बेसिक एलिजिबिलिटी की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कोर्स में इनरोल हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ रहे लेकिन आप क्लास 12th पास आउट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो प्रेफरेंस होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट को ही दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं? देखिए, जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, BA, BSc, BCom, तो जिस भी दिन रेगुलर यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी है, ठीक। अब वैसे तो मैंने 3-4 वीडियोस बना रखी हैं, 3-4 कॉलेजेस पे अलग अलग 2019 के अकॉर्डिंग। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, एक आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हर कॉलेज ऐसा नहीं होता जो कि ऑनलाइन एडमिशन करवाए, यानी कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं अगर आपको पार्ट टाइम कोर्सेज में एडमिशन लेना है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफलाइन कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, वो कॉलेज की वेबसाइट पर ही आती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको जैसे ही DU के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से ही रोज़ाना अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहनी है, जितने भी कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड हो गए अप्लाई करने में, उन पर्टिकुलर कॉलेजेस की, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोर्सेज को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। सबसे पहले अगर हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए क्लास 12th रिक्वायरमेंट है, आपने क्लास 12th पास आउट करी हो, और नॉर्मली 50% इसमें रिक्वायरमेंट है। कोई एक दो कॉलेज ऐसे भी हैं जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज जिसमें 55% की रिक्वायरमेंट है, तो आप सेफ्टी के लिए 55% ही मान के चलिए, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए क्लास 12th में, और इंग्लिश में अभी आपके पास 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, 45 से 50% कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं सभी कॉलेजेस के अंदर, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, फिर चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या फिर अरबिक हो, पर्शियन हो, इटली हो, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, कोरियन हो, ठीक है, तो इन सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर होगा, ठीक है। और दोस्तों, जो यहाँ पे इसी कट ऑफ वगैरह हैं वो भी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर आती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ही चेक करना पड़ेगा कि एडमिशन की डेट क्या है, कट ऑफ कब आएगी, तो वो सब चीज़ें कॉलेज की वेबसाइट पर ही आती हैं। डॉक्यूमेंट नॉर्मली आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। अगर गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगा देना, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में हर कोर्स अवेलेबल हो, कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जिस जहाँ पर सिर्फ जर्मन और रशियन कोर्स अवेलेबल है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर 6-7 लैंग्वेज हैं, अरबिक भी है, पर्शियन भी है, इटली भी है, स्पेनिश भी है, कोरियन भी है, चाइनीज़ भी है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी बारी आती है डिप्लोमा लेवल कोर्सेज की। दोस्तों, डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए, नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हो, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, स्पेनिश हो गया या जर्मन हो गया, तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होगा, आपके पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए अगर आप उस लैंग्वेज के अंदर DU के पर्टिकुलर कॉलेज से डिप्लोमा करना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 2 केस हैं। देखिए, अगर आप सपोज़
हम यहाँ पे जर्मन का एग्जांपल लेके चलते हैं और ये एग्जांपल हर लैंग्वेज में सूट करेगा, ठीक है। तो अगर आप जर्मन का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपको डिप्लोमा इन जर्मन में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, तो उस केस के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए जर्मन का, ठीक है। अब या तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, या तो आपके पास DU से कराया आपने सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से कराया है, यही दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट इन जर्मन किया हुआ है तो उस केस में आपका एडमिशन मेरिट बेस पर होगा डिप्लोमा इन जर्मन में। और यदि अगर आपने किसी और अदर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट इन जर्मन किया है उस केस में भी आप एलिजिबल हो डिप्लोमा लेने के लिए, लेकिन उस केस में आपको एंट्रेंस के थ्रू आना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे अगर सर्टिफिकेट कोर्स आपने DU से ही करा है, DU के इंस्टीट्यूट से ही, तो उस केस में तो आप डिप्लोमा के लिए मेरिट बेस के थ्रू अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किसी अदर इंस्टीट्यूट से अप्लाई किया तो उस केस में आपको एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करना होगा, ठीक है, एंट्रेंस होगा उस केस में आपका। यही सेम सीनेरियो एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। अब जो एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे सपोज जर्मन का ही एग्जाम्पल ले लें या फिर स्पेनिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप स्पेनिश का कोर्स करना चाहते हो एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश, तो उस केस में भी कम से कम आपके पास डिप्लोमा इन स्पेनिश होना चाहिए सर्टिफिकेट, सॉरी डिप्लोमा इन स्पेनिश का डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्पेनिश की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है आपके पास, तो उस केस में आप मेरिट के थ्रू आओगे। लेकिन अगर डिप्लोमा इन स्पेनिश की डिग्री आपके पास DU के अलावा किसी और अदर इंस्टीट्यूट से है, तो उस केस में आपको एंट्रेंस देना होगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जो कि कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं। और इन तमाम चीज़ों की डिटेल, एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा, वो सब आप कॉलेज की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ बार बार, कि आपको जिस भी लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसके लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन ही होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा दोस्तों 60% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, और बाकी बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे ऑफलाइन भी होते हैं, ठीक है। आई थिंक रामजस या हंसराज में से कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको ऑफलाइन एडमिशन मिलेंगे, इन दोनों में से कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होते हैं। आपको कॉलेज में फिजिकली विजिट करना पड़ता है एडमिशन फॉर्म लाने के लिए और उसको सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो यही सब दोस्तों था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। तो इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और आपकी क्वारीज रह गई हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इसके अलावा किसी रिस्पेक्टिव कॉलेज के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस कॉलेज की वेबसाइट को छानबीन करके आपको बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में किस किस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और किस किस लैंग्वेज में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात यहाँ पे रही हमारी फ़ीस की। फ़ीस देखिए दोस्तों, नॉर्मली फ़ीस जो होती है, वैसे कोर्सेज तो ये 6 महीने से लेके 1 साल तक के होते हैं, फ़ीस जो उसकी नॉर्मली होती है वो भी तकरीबन 10 से 15 हज़ार तक होती है। पूरे कोर्स की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार तक होती है, और कहीं कहीं पे 17 हज़ार तक भी फ़ीस है। क्लासेस की बात करूँ तो हफ्ते में 3 दिन इसकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगेंगी, दोपहर में लग जाती हैं क्लासेस इसकी, ठीक। और बाकी दोस्तों अगर आपका एडमिशन पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज में होता है तो ये बिल्कुल ही मत समझिएगा कि आप उस कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट हो गए, ठीक है, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज़ करनी दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और बस पासिस की सुविधा आपको अवेलेबल होगी जो कि DU के स्टूडेंट को होती है, DTC बस पास की सुविधा होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, हो सकता है मिल जाए लेकिन कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो ये सब चीज़ें भी थी जो मुझे आपको लगा बतानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कुछ और अगर फर्दर क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।